नमस्ते बच्चों। तो क्लास 8 का 12th नंबर का इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस हमने स्टार्ट किया था। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें हम एसिड के बारे में देखेंगे और एसिड के क्या क्या यूजेस है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या जो हमारे बॉडी में कौन कौन से एसिड होते हैं इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए बुक में जो है वो बहुत लेंदी दिया होता है, तो हम यहाँ पे शॉर्टकट नोट जो है वो आप यहाँ पे आपके बुक में लिख लीजिए ताकि वो देखते ही आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। देखिए जो एसिड होता है, देखिए अब हम अगर बात करें ना एसिड की, तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, बेस की खासियत होती है और एसिड की खासियत क्या होती है। जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन जो है वो छोड़ देते हैं, यानी वो डिसोसिएट होते हैं H पॉजिटिव आयन्स में। बेस की बात करें, मान के चलो कि NaOH बेस है, तो ये OH नेगेटिव आयन से डिसोसिएट होते हैं और एसिड हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन से डिसोसिएट होते हैं। ये सबसे मेन बात। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सबसे पहली तो प्रॉपर्टी कि इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो एच पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। टेस्ट में सोर होते हैं, यानी थोड़े खट्टे होते हैं। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होते हैं तो CO2 गैस रिलीज होते हैं। इसको याद कैसे रखना है, पहली तो टेस्ट सोर है, दूसरा इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद दो रिएक्शन मेटल के साथ और कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट यानी CO3, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो CO2 गैस रिलीज करता है। हो गए चार चीजें। और हमें तो पता है कि ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड हो जाता है एसिड में जब हम डालते हैं। तो पांच प्रॉपर्टीज, टेस्ट में शोर होता है, हाइड्रोजन आयन जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है, मेटल के साथ रिएक्ट हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, CO2 गैस रिलीज किया, और जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाता है एसिड के फॉर्म में। तो ये हो गई पांच प्रॉपर्टी, इसको इस प्रकार से याद रखना आपको। उसके बाद यूजेस तो इतने इजी है कि आप अपने मन से देखिए, अपने मन से ही याद कर सकते हैं कि एसिड कहाँ कहाँ पे यूज होगा। जो पल्प पेपर इंडस्ट्री है, जब हम पेपर वगैरह बनते हैं वहाँ पे, केमिकल फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी यानी जो ऑयल निकालते हैं तो उसको जो ऑयल प्यूरिफिकेशन होता है उसमें यूज़ किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री, डाइज इंडस्ट्री, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है एसिड, जो H2SO4 है जो हम बैटरीज वगैरह है तो उनमें यूज़ किया जाता है, जो क्लोराइड सॉल्ट वगैरह बनते हैं तो उसके लिए HCl का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे अपने आप ही आपको जो है वो याद रहेंगे, फिर भी देख लेते हैं। वो सारे एक्सप्लोसिव यानी जो स्फोटक होते हैं, जो फटाके वटाके होते हैं ना, उसमें भी एसिड यूज़ किया जाता है, मेडिसिन है, डाइज पेंट्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ऑयल प्यूरिफिकेशन है, क्लोराइड सॉल्ट प्रिपरेशन है, बैटरीज में H2SO4 यूज़ किया जाता है, और वाटर का स्टेरलाइजेशन के लिए डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना हमारा HCl, उसको हम पानी में अगर डिस्टिल वाटर में थोड़ा डिजोल्व कर ले तो वो डाइल्यूट फॉर्म में बन जाता है, तो वो स्टेरलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। स्टेरलाइजेशन का मीनिंग वाटर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे के सारे किल हो जाएंगे, ठीक है, उसको बोला जाता है स्टरलाइजेशन। तो डाइल्यूट HCl उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यूजेज जो है वो आप ध्यान रख सकते हैं और कुछ अपने मन से यानी वो याद ही रह जाते हैं, ठीक है। अब जो सेवरल ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे DNA RNA हो गया, ये भी एक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारी हेरिडिटी के लिए ट्रांसफर होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें पता है DNA RNA ये भी क्या एक एसिड ही है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अब प्रोटीन हो गया, तो ये किससे बनते हैं, ये अमीनो एसिड से बनते हैं, तो अमीनो एसिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट जो हमारे बॉडी में बनता है ये फैटी एसिड से बनता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एसिड्स हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टमक में भी HCl प्रेजेंट होता है। तो एसिड हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो भी एसिड हमारे बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कुछ एसिड की बात करें तो कौन किस में कौन सा एसिड होता है, देखिए विनेगर आपके इसमें दिया है तो उसमें एसिडिक एसिड होता है, उसके बाद ऑरेंज है इसमें एस्कर्बिक एसिड होता है, ठीक है। ये सारा टेबल जो है वो एक दो बार अगर आप याद रखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद टैमरिंड है यानी इमली है तो टार्टरिक एसिड होता है, उसके बाद टोमेटो है तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसके बाद ये क्या है कर्ड यानी दही, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, और लेमन में साइट्रिक एसिड होता है। तो देखिए लेमन में साइट्रिक एसिड हमें पता ही है, कर्ड में जो लैक्टिक एसिड है वो भी हमें पता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, इसको दो बार समझ लेना, TT से
टैमेरिन यानी इमली में टार्टारिक एसिड, ऑरेंज में एस्कर्बिक एसिड, और जो विनेगर होता है उसमें एसिडिक एसिड। ये दो चार बार पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस ये पूछा जा सकता है कि विनेगर, ऑरेंज, टैमेरिन, टोमेटो, कर्ड, लेमन, इसमें कौन से एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये आपको एक चार्ट बना के आपके जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका देना है। तो ये इंट्रोडक्शन एसिड के बारे में देखा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी यूजेस क्या है, नेचुरल एसिड्स कौन कौन से किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये सारा देखने की कोशिश की। आज का वीडियो अच्छा लगे, नेक्स्ट इसमें हम बेस के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।